वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अंकित अरोरा बैक विद अनदर 10 सेक्शंस फॉर वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप में हमने अभी तक क्या कर लिया, 270 से लेके हमने 280 तक के सेक्शंस लर्न किए हैं प्रीवियस ऑडियो क्लिप में. दिस इज़ कम्प्लीटली लर्निंग ऑडियो सीरीज, सो डोंट कन्फ्यूज इट विद द रिविजन सीरीज. हम लर्न करेंगे बकायदा, तो इसलिए हम वाइंडिंग अप जैसी चीज़ जिसे जनरली स्किप कर दिया जाता है, तो वाई टू स्किप सच चैप्टर. हम क्या करेंगे, दस दस सेक्शंस लेते जाएंगे ऐसे चैप्टर्स के जो जनरली स्किप किए जाते हैं. राइट, तो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ सेक्शन नंबर 281. सेक्शन नंबर 281 अब किसका है, ये बोलता है सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर. जैसे ही ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया है कि कंपनी को वाइंड अप करना है, या फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर देने के बाद कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया. या तो ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे रहा है, या फिर कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट कर रहा है. तो इस लिक्विडेटर को 60 डेज के अंदर ऑर्डर देने के बाद, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देने के बाद विद इन 60 डेज ट्रिब्यूनल को क्या करना होता है, लिक्विडेटर को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. अब इस रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ द रिपोर्ट. तो सबसे पहले बोलते हैं ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या होगा. इस रिपोर्ट में कुछ डिटेल्स होंगी, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर कुछ कंपनी ने ओन करके रखा है, कंपनी के पास क्या प्रॉपर्टी है, ट्रेडमार्क क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर है तो उसका, या फिर कोई जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन या फिर सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज की डिटेल, लीगल केस जो फाइल किए हैं कंपनी ने या फिर कंपनी के अगेंस्ट फाइल किए गए हैं. तो सिर्फ एक डिटेल वर्ड लिखो. अब डिटेल किन किन चीज़ों की दी जाती है इस रिपोर्ट में, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर कुछ है तो, कोई कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन इफ एनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डिटेल, लीगल केस जो फाइल किए हैं कंपनी ने या फिर कंपनी के अगेंस्ट फाइल हो रहे हैं इसकी डिटेल जाती है. तो डिटेल ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डिटेल, लीगल केसेस फाइल्ड बाय द कंपनी या फिर अगेंस्ट द कंपनी हो सकता है. फिर इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद आपको मिलेगा लिस्ट. किसकी लिस्ट मिलेगी, कुछ नहीं, लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड जो भी ड्यूज़ हैं उसकी. तो लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड ड्यूज़ इफ एनी पेबल बाय देम एंड डिटेल्स ऑफ अनपेड कॉल. कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट, कितना अमाउंट ड्यू है और अनपेड कॉल्स कितने हैं, उनकी डिटेल क्या होती है कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट में. तो कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट, ड्यूज़ कितने हैं और अनपेड कॉल की डिटेल, ये सारी चीज़ें इसमें आती है. अगर कोई गारंटी है जो कंपनी ने दी है तो गारंटी के बारे में भी डिटेल जाएगी. तो अभी तक अपन ने क्या किया, कितनी डिटेल जाएगी, तो एक डिटेल है, सिर्फ एक वर्ड लिखना है आपको, डिटेल. डिटेल के बाद ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिटेल जाएगी लीगल केस बाय द कंपनी, अगेंस्ट द कंपनी, डिटेल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर के बारे में, डिटेल जाएगी होल्डिंग सब्सिडरी की, इसके अलावा किसकी डिटेल जाएगी, गारंटी अगर कुछ एक्सटेंड किया है, लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की हो सकती है, कितना अमाउंट ड्यू है, अनपेड कॉल्स क्या है. क्यों हम इसको एक बार फोकस में ले रहे हैं, देखिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है लर्न करना, बट एटलीस्ट एक बार पता होगा तो बाय चांस कुछ भी आता है तो एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन हो जाता है, लैंग्वेज प्रॉपर लिख जाती है. इसके अलावा क्या है, इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल क्या होगा, एक कंपनी के इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल क्या है उसकी डिटेल होगी. इसके अलावा डिटेल होगी नेचर एंड डिटेल असेट्स ऑफ द कंपनी दैट इंक्लूड लोकेशन, वैल्यू, सेपरेटली स्टेटिंग द कैश बैलेंस इन हैंड एंड बैंक और नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़ क्या है कंपनी के पास. ओवरऑल देखा जाए तो असेट की डिटेल, लाइबिलिटी की डिटेल, सब कुछ आ रहा है. तो डिटेल असेट की, उसकी लोकेशन क्या है, वैल्यू क्या है, कैश बैलेंस कितना है कंपनी के पास, बैंक में कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें देना. इसके बाद हमने जैसा कि बोला एग्जिस्टिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होगी, क्योंकि असेट लाइबिलिटी सबकी डिटेल दे रहा है. तो एक काम करो ना, बैलेंस शीट याद कर लो. बैलेंस शीट में क्या है, इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, उसके बाद एग्जिस्टिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी की डिटेल्स यहाँ पे जा सकती है, उसके बाद नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्रेडिटर का क्या है, ये सारी डिटेल्स जा सकती है.
फिर इसके बाद क्या जा सकता है, असेट के साइड में आए तो असेट में क्या जाएगा, असेट नेचर लोकेशन वैल्यू कैश इन बैंक कितना है कैश इन हैंड कितना है, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट हो गया उसमें ड्यूज़ कितने हैं, ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डिटेल लीगल केसेस की डिटेल, दैट मींस ऑल ओवर हम क्या कर पाएँ, कुछ चीज़ें कर पाएँ, या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा कंपनी लिक्विडेटर को या फिर कंपनी लिक्विडेटर को खुद को लगता है कि इसे भी रिपोर्ट में नेसेसरीली हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। अभी ऑडियो पॉज करो और ये चीज़ें एक बार बिना देखे लिख लो। देखो 281 बोलता है रिपोर्ट का सबमिशन करना है, कौन सबमिट करेगा, कंपनी लिक्विडेटर। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि वाइंडिंग अप होना है या फिर कंपनी लिक्विडेटर उसने अपॉइंट किया, तो जैसे ही ऑर्डर आता है 60 डेज के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। रिपोर्ट की ये डिटेल है। इसके अलावा क्या होता है, रिपोर्ट में कुछ और पर्टिकुलर्स होते हैं जैसे रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी एंड फ्रॉड कमिटेड। कंपनी लिक्विडेटर को कंपलसरी क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। द वर्ड हेयर इज शेल, कंपनी लिक्विडेटर शेल इंक्लूड इन हीज रिपोर्ट द मैनर इन विच कंपनी वॉज प्रमोटेड फॉर्म्ड एंड वेदर इन हीज ओपिनियन फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड बाई पर्सन इन हीज प्रमोशन और फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपलसरी कंपनी लिक्विडेटर को अपनी रिपोर्ट में और क्या इंक्लूड करना होगा कि किस तरह से कंपनी का फॉर्मेशन प्रमोशन हुआ है और क्या कंपनी लिक्विडेटर के ओपिनियन में प्रमोशन फॉर्मेशन में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, चाहे कंपनी की तरफ से या फिर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, उन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, ये कौन बताएगा, कंपनी लिक्विडेटर बताएगा। क्यों ये स्पेसिफिकली फॉर्मेशन एंड प्रमोशन पे गए, ये स्पेसिफिकली फॉर्मेशन प्रमोशन पे इसलिए गए, जब आप एक बार इन्वेस्टिगेशन चैप्टर भी देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में भी क्या लिखा है कि खुद ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि कंपनी का वाइंड अप कर देंगे। और अभी 270 में भी हमने देखा है कि ट्रिब्यूनल को अगर लगता है सरकमस्टेंस, सबसे पहले कि अगर कंपनी क्या हो रही है, कंपनी का फॉर्मेशन फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए हुआ है, अनलॉफुल पर्पस के लिए हुआ है, या फिर जो भी पर्सन इसके मैनेजमेंट या फॉर्मेशन में एंगेज थे उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट मिसफियांस वगैरह किया है, तो ऐसा अगर ट्रिब्यूनल को पता चलता है उसके ओपिनियन में तो कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। इसलिए कंपनी लिक्विडेटर को ये रिपोर्ट में बताना होगा कि उसने बकायदा चेक किया है और चेक करके ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि कंपनी के फॉर्मेशन प्रमोशन में जो लोग इन्वॉल्व थे या फिर जिस तरह से कंपनी का फॉर्मेशन प्रमोशन हो रहा है कोई फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में फिर से कंपलसरी क्या आएगा, कंपनी लिक्विडेटर को रिपोर्ट में क्या देना होगा, वाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की वाइबिलिटी भी देनी होगी कि क्या ये वाइबल बिजनेस है, चल पाएगा आगे या नहीं चल पाएगा, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी होगी, देनी होगी। तो कंपनी लिक्विडेटर क्या देगा, शेल ऑल्सो मेक अ रिपोर्ट ऑन वाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी और द स्टेप विच इन इज ओपिनियन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, या फिर क्या स्टेप्स ली जा सकती है एज अ कंपनी लिक्विडेटर बताएगा जिससे क्या होगी, वैल्यू ऑफ द असेट इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद और भी एक रिपोर्ट क्या बोलता है, सबमिशन ऑफ फर्दर रिपोर्ट्स बाय कंपनी लिक्विडेटर। एक तो ये क्या होगी, 60 डेज में रिपोर्ट जाएगी, फिर इसके अलावा जो भी क्या लगता है कंपनी लिक्विडेटर को लगता है हाँ भैया ये चीज़ भी क्या होनी चाहिए, ट्रिब्यूनल को इसकी रिपोर्ट भी जानी चाहिए, तो वो रिपोर्ट भी दी जाएगी। फिर इसके बाद आता है इंस्पेक्शन ऑफ द रिपोर्ट बाय क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर। ये जो भी रिपोर्ट कंपनी लिक्विडेटर देगा, तो कंपनी लिक्विडेटर जब भी 60 डेज में ये जो रिपोर्ट दे रहा है किसको, ट्रिब्यूनल को दे रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन जो क्रेडिटर है या कंट्रीब्यूटर है, इन राइटिंग इन्हें बताना होगा दैट दे आर द क्रेडिटर और द कंट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। तो इन राइटिंग अगर कोई भी पर्सन बताता है कि ही इज़ द क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, तो वो क्रेडिटर या हमारे कंट्रीब्यूटर जो हैं वो आइदर खुद से या फिर उनके एजेंट के थ्रू रीजनेबल टाइम में क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, जो भी पेमेंट होगा वो फीस पे करके दे कैन टेक द कॉपी, दे कैन टेक द एक्सट्रैक्ट। सिर्फ क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आते हैं हम 282।
282 बोलता है डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। जैसे ही कंपनी लिक्विडेटर की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट देखने के बाद ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, सबसे पहले ट्रिब्यूनल शैल ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर एक टाइम लिमिट फिक्स कर सकता है। क्या कर सकता है? एक टाइम लिमिट फिक्स कर सकता है जिसमें एंटायर जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, वो एक टाइम लिमिट फिक्स कर देगा जिसमें एंटायर प्रोसेस क्या हो जाना चाहिए, वाइंडिंग अप का ख़त्म हो जाना चाहिए एंड कंपनी क्या हो जाना चाहिए, डिसॉल्व। तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल फिक्स कर सकता है टाइम फॉर वाइंडिंग अप प्रोसीजर्स एंड डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन और वाइंडिंग अप प्रोसीजर की टाइम फिक्स कर सकता है, या फिर टाइम रिवाइज भी कर सकता है वाइंडिंग अप प्रोसीजर का टाइम। ट्रिब्यूनल चाहे तो वाइंडिंग अप प्रोसीजर के टाइम को क्या कर सकता है, रिवाइज भी कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, एज द केस मे बी। फिर इसके बाद ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि सेल कर दो कंपनी को, ये बोल सकता है ट्रिब्यूनल। क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है टू सेल द कंपनी इज गोइंग कंसर्न, या किसी पार्ट ऑफ द असेट को भी सेल करवा सकता है। इनफैक्ट ट्रिब्यूनल चाहे तो कमिटी, सेल्स कमिटी भी इस्टेब्लिश करवा सकता है। मैम 277 में भी एक क्या देखी थी हमने, कमिटी देखी थी, वो हमारी थी वाइंडिंग अप कमिटी। वो कमिटी थी किसकी, वाइंडिंग अप के लिए कमिटी थी। अब ये कमिटी क्या है, सेल्स कमिटी। ये दूसरी कमिटी आ रही है, दैट इज़ सेल्स कमिटी, जिसमें क्रेडिटर होंगे, प्रमोटर होंगे, ऑफिसर ऑफ द कंपनी होगा, वो डिसाइड करेंगे, वो हेल्प करेंगे किसको, कंपनी लिक्विडेटर को सेल्स करने के लिए। तो अभी तक हमने देखा 282 में जैसे ही ट्रिब्यूनल कंपनी लिक्विडेटर की रिपोर्ट चेक करता है, रिपोर्ट के बाद वो बता सकता है कि इतने प्रिस्क्राइब टाइम में वाइंडिंग अप हो जाना चाहिए, या फिर एक्सटेंशन ऑफ द टाइम भी बता सकता है कि एक्सटेंड कर दिया, रिवाइज कर दिया वाइंडिंग अप का टाइम, या फिर सेल्स कमिटी एस्टेब्लिश करवा सकता है, या फिर ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी या पार्ट ऑफ द एसेट को क्या कर दिया जाए, या तो एसेट्स ऑफ द कंपनी को क्या कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर ऑफ व्हाट, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है एंड फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल कंप्लेन इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड लगता है कि कहीं क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड के केस में क्या कर सकता है, वो फ्रॉड के केस में क्रिमिनल कंप्लेन भी करा सकता है। देखो हुआ क्या, सबसे पहले सेक्शन नंबर 281, सेक्शन नंबर 281 की रिपोर्ट आती है जिसका 282 में डायरेक्शन ट्रिब्यूनल देगा। अब हो सकता है ट्रिब्यूनल ने 282 में क्या दिया, बोला कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर का सेक्शन क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से उठ के आता है, ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन नंबर 210 में किया जाता है। तो रिस्पॉन्स कहाँ पे आ रहा है, सेक्शन नंबर 281 में रिपोर्ट सबमिट होती है ट्रिब्यूनल को, 282 में वो डायरेक्शन देता है, और ये डायरेक्शन 210 का भी हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय 210 का डायरेक्शन, दैट मींस ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है इन्वेस्टिगेशन का, दैट इज़ द 210 का डायरेक्शन। इसके अलावा क्या कर सकते हैं ट्रिब्यूनल, क्या कर सकता है, किसी असेट को प्रिजर्व करवा सकता है, प्रिजर्वेशन ऑफ असेट, प्रोटेक्शन ऑफ असेट का भी क्या दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। और अदर ऑर्डर और डायरेक्शन, इसके अलावा जो भी ऑर्डर डायरेक्शन ट्रिब्यूनल को सही लगता है वो भी क्या कर सकता है, वो ऑर्डर और डायरेक्शंस दे सकता है। तो टिल नाउ 281 रिपोर्ट में क्या आएगा, कुछ डिटेल्स थी, कुछ असेट की डिटेल, कुछ लाइबिलिटी की डिटेल थी, फिर इसके बाद वाइबिलिटी के बारे में भी बताना था बिजनेस के, इसके बाद कंपनी लिक्विडेटर को जो सही लगता था वो रिपोर्ट देनी थी, कंपनी लिक्विडेटर को फॉर्मेशन प्रमोशन जब कंपनी का हुआ उस टाइम जो लोग इन्वॉल्व थे, या फिर जिस तरीके से फॉर्मेशन या फिर प्रमोशन हुआ कंपनी का, फ्रॉड तो इन्वॉल्व नहीं था, ये बताना था। ये सारी रिपोर्ट किस दिन कब तक देनी थी, 60 days फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप या फिर कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करते थे। इंस्पेक्शन सिर्फ क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर कर सकते थे, और वो भी उन्हें बाय राइटिंग बताना था दैट दे आर द क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर। फिर 282 में ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है।
तो 282 में जो ट्रिब्यूनल डायरेक्शन दे रहा है या तो क्या बोलेगा, वाइंडिंग अप का इतने टाइम में प्रोसीजर खत्म होनी चाहिए, टाइम रिवाइज कर सकता है, सेल्स ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न भेज दो, उसके कुछ असेट्स या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी भेज दो, या फिर सेल कमिटी एस्टेब्लिश कर सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ द क्रिमिनल कंप्लेन हो सकता है, अगर लगता है फ्रॉड वगैरह हुआ है तो क्रिमिनल कंप्लेन और इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, या फिर प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ असेट हो सकता है. नाउ कमिंग टू 283, दैट इज कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी. कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी जहाँ पे वाइंडिंग अप ऑर्डर हो चुका है या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, जहाँ पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया थ्रू द ट्रिब्यूनल या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है या फिर कंपनी लिक्विडेटर है, तो यहाँ बोलते हैं कि चाहे कंपनी लिक्विडेटर हो, प्रोविजनल लिक्विडेटर हो, जो भी हो, या फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया है, तो यहाँ बोलते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितने भी एक्शनेबल क्लेम होंगे कंपनी के, या फिर जो कंपनी के हो सकते हैं, वो सब किसके कंट्रोल और कस्टडी में आ जाएंगे, वो सारे के सारे कंट्रोल और कस्टडी में किसके आएंगे, इस लिक्विडेटर के, चाहे वो प्रोविजनल लिक्विडेटर हो या फिर कंपनी लिक्विडेटर. सो जितनी भी प्रॉपर्टी है जो किसके कस्टडी एंड कंट्रोल में आ जाएगी, प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर की कस्टडी या कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपनी को अभी बिलोंग करती है या फिर जो बिलोंग करेगी, अपीयर्स टू बी एंटाइटल वाली भी या फिर जो ऑलरेडी है, वो सारी भी क्या हो जाएंगी, कंपनी लिक्विडेटर के अंडर में आ जाएगी. फिर बोलते हैं मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, कि notwithstanding that it is the duty of liquidator to take in custody property. देखो कहीं पे कुछ भी लिखा हो, ये तो लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि उसे वो सारी प्रॉपर्टी कस्टडी में लेनी है जो किसकी है, कंपनी की, और ये मान लिया जाएगा कि वो सारी जो प्रॉपर्टी है अब वो किसकी कस्टडी में है, ट्रिब्यूनल की कस्टडी में है फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. तो इन शॉर्ट जहाँ पे क्या होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, तो जहाँ पे प्रोविजनल या कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, तो वो क्या करेंगे, सारी चीज़ों का डिसीजन अब कस्टडी या कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, उस लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर के अंडर. और ये मान लिया जाएगा कि इन चीज़ों की कस्टडी किसके पास है, अब ट्रिब्यूनल के पास है, इसका मतलब कंपनी का कोई रोल यहाँ पर रहा नहीं है. अब हमारे ट्रिब्यूनल की क्या पावर है, तो ट्रिब्यूनल के पास एक और पावर है कि वो क्या करेगा, ऑफिसर एम्प्लॉय को क्या करेगा, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर द ऑफिसर एम्प्लॉय एसेट्रा टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू लिक्विडेटर. ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अगर सपोज करो कंपनी लिक्विडेटर ने क्या किया, ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी लिक्विडेटर, अगर कंपनी लिक्विडेटर कहता है तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर, ये कह सकता है किसको, किसी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी को, किसी भी ट्रस्टी को, किसी भी रिसीवर को, किसी भी एजेंट बैंकर वगैरह को, कि वो क्या करे, डिलीवर करे, सरेंडर करे या ट्रांसफ़र करे. एक टाइम लिमिट दे देगा कि इतने टाइम लिमिट में जो जो प्रॉपर्टी बैंकर के पास है या फिर किसी ऑफिसर के पास है, किसी एम्प्लॉय के पास है, ट्रस्टी है, रिसीवर है, किसी के भी पास कोई प्रॉपर्टी है, कंट्रीब्यूटर से कुछ लेना है, तो वो सब अब किसको सरेंडर कर दी जाए, ट्रांसफ़र कर दी जाए, दे दी जाए विद इन अ टाइम, इस कंपनी लिक्विडेटर को. तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर कंपनी क्या जाती है, लिक्विडेशन में जाती है, ऑर्डर लिक्विडेशन का आता है, तो कंपनी की सारी प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल की कस्टडी में होती है, कंपनी लिक्विडेटर प्रोविजनल लिक्विडेटर की कस्टडी कंट्रोल में होती है, और यहाँ पे ऑर्डर किया जाएगा किसके थ्रू, कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, और कंपनी लिक्विडेटर एप्लीकेशन करेगा ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा वो सारे बैंकर्स, एजेंट, ट्रस्टी, रिसीवर, इन सबको, कि जो जो प्रॉपर्टी जिसके पास है, कंट्रीब्यूटर के पास है, वो सारी प्रॉपर्टी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट किसके पास चली जानी चाहिए, कंपनी लिक्विडेटर को डिलीवर, सरेंडर, ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए. दैट हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन नंबर 283. नाउ सेक्शन नंबर 284. सेक्शन नंबर 284 किस चीज़ के लिए, 284 बोलता है ड्यूटी ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर टू एक्सटेंड देयर
sorry, the duty of the promoter director to cooperate with the company liquidator. It's not something that is really very relevant. सीधी बात यह है कि जब भी कंपनी लिक्विडेटर या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो ये हर एक डायरेक्टर प्रमोटर एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि वो क्या करें, हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे इस कंपनी लिक्विडेटर को. उन्हें क्या करना होगा, इस कंपनी लिक्विडेटर को हेल्प करना होगा, असिस्ट करना होगा, जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करनी होगी. So that is it with the section number 284.